नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। कहते हैं कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ इतिहास ऐसा होता है जो इतने जख्म दे जाता है कि हर साल जब वो तारीख आती है तो उसको फिर से याद किया जाता है, वो जख्म हरे हो जाते हैं। बात करते हैं एक ऐसे ही हादसे की जो आज से 26 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी उसके जख्म भरे नहीं हैं। मंडी डबवाली एक ऐसा छोटा सा प्यारा शहर जिसकी सीमाएं राजस्थान पंजाब के साथ लगती है। ये शहर है तो हरियाणा का हिस्सा, लेकिन इसमें राजस्थान और पंजाब की बराबर की भागीदारी है, अगर समाज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से बात करें तो। लेकिन 23 दिसंबर 1995 को एक ऐसा हादसा इस शहर में हुआ जो आज तक जब कोई उसको याद करता है तो सिहर उठता है, सहम जाता है। दरअसल 23 दिसंबर 1995 को एक निजी स्कूल के प्रांगण में वार्षिक समारोह आयोजित हो रहा था। वार्षिक समारोह आयोजित होता है, जाहिर सी बात है, उसमें स्कूल के सभी बच्चे हिस्सा लेते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को, अभिभावकों को भी बुलाया जाता है। कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ। भारी संख्या में बच्चे पहुँचे, उनके अभिभावक पहुँचे, और अभिभावकों में ज़्यादातर संख्या महिलाओं की थी, यानी कि बच्चों की माताओं की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टेज के ऊपर बच्चे अलग अलग कार्यक्रम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन दोपहर का वक्त था, 1:47। कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब इतिहास बन गया। दरअसल उस वक्त, उस दौर में जो 90 के दशक से 2000 तक दौर था, उसमें इतने संसाधन नहीं थे। जब भी कोई शादी समारोह या फिर दूसरे कार्यक्रम होते थे तो लोहे की पाइपों के टेंट लगाए जाते थे। ऐसा ही वहां हुआ, स्कूल के मैदान के अंदर लोहे की पाइपों के टेंट लगाए गए। कुर्सियां भी उस वक्त प्लास्टिक की नहीं आती थी, दरअसल लोहे की कुर्सियां आती थी जिसके अंदर प्लास्टिक की पतली पतली रस्सियों से उनको बनाया जाता था, बींधा जाता था। हज़ारों की संख्या में वहां कुर्सियां लगाई गई थी, सब लोग कुर्सियों पर बैठे थे और कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद कुछ बच्चों को वहां से पास आउट होकर दूसरी जगह पर, दूसरे राज्यों में, दूसरे कॉलेज में जाना था, और कुछ बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट होना था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अगली प्रमोशन सीधी मौत है। दरअसल 1:47 पर एक कुंडी लगाई गई थी बिजली के लिए। ऐसा होता नहीं है, दरअसल स्विच के माध्यम से या फिर बिजली विभाग के माध्यम से लाइट का कनेक्शन अच्छे तरीके से जोड़ा जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी तरह का हादसा ना हो। लेकिन जो मैनेजमेंट देख रहे थे, उन लोगों ने गलती ये कर दी कि कुंडी के माध्यम से ही जो कार्यक्रम चल रहा था उस स्थल तक बिजली देने के लिए कुंडी का प्रयोग किया गया। लेकिन अचानक उस कुंडी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट क्योंकि लोहे की पाइपें थी और उन पाइपों के साथ लोहे की कुर्सियां लगी थी, तो देखते ही देखते चंद सेकंड के अंदर पूरा करंट वहां पंडाल में लगी कुर्सियों में फैल गया। हादसा इतना भयानक था, इतना दर्दनाक था कि चंद सेकंड के अंदर जो लोग जहां बैठे थे वहीं करंट उनको लग गया और आग के हवाले हो गए। बात यही नहीं रुकी, क्योंकि खाने पीने का कार्यक्रम भी था तो वहाँ पर गैस सिलेंडर रखे हुए थे, आग की वजह से गैस सिलेंडर भी फट गया और वो आग और ज़्यादा फैल गई। तिरपाल लगाया हुआ था ताकि छाया हो, किसी तरह की धूप या गर्मी का सामना बच्चों को, अभिभावकों को ना करना पड़े, लेकिन पाइपों के सहारे जब करंट तिरपाल तक पहुंचा तो उसमें भी आग लग गई, और जैसे मोम पिघलता है एक एक करके ऊपर से टपकने लगा तिरपाल, आग के गोले नीचे गिरने लगे, जिससे सब लोग जो जहां बैठे थे वहीं के वहीं रह गए और जल गए। ये बात जब शहर के लोगों तक पहुंची, क्योंकि इतनी भयावह आग थी ये कि सब सहम गए, सब स्कूल की तरफ जो दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्योंकि उस वक्त के डीसी एमपी बिदलान उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे,
वो स्टेज पर मौजूद थे तो सभी का ध्यान था कि डीसी साहब को जैसे तैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ बच्चे और अभिभावकों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और ना ही उस कुंडी को हटाने के लिए, उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए किसी ने आगे कदम उठाया, क्योंकि एक छोटा सा संकीर्ण रास्ता था उस कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के लिए। और जैसे तैसे डीसी साहब तो बच गए, लेकिन कहते हैं 442 लोग उस आग के लपेटे में आ गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि सरकारी आंकड़ा 360 का है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं या फिर जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो बताते हैं कि ये संख्या 442 थी। इसमें ज़्यादातर संख्या बच्चों की थी और 136 के करीब महिलाएं थी जिनकी मौत हुई। अब खास बात यह है कि इतनी मौत एक साथ एक छोटे से शहर में होती है तो शमशान घाट में जगह कम पड़ गई। अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इसके लिए लोग आगे आए और खेतों में अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे के बाद हर साल बरसी मनाई जाती है। लगातार कोर्ट में भी केस चलता रहा कि प्रशासन अब इसमें कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करता। कोर्ट केस चलता रहा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्रशासन, स्कूल प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन दुख वाली बात यह है कि छोटा सा प्यारा सा शहर था जिसने उस अग्निकांड में अपनों को खोया। हर घर में मातम था, शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो जहां पर किसी बच्चे या किसी परिजन की मौत उस अग्निकांड में ना हुई हो। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल बिश्नोई थे। ये बात जब पता चली तो देश की नहीं विदेश के मीडिया प्रतिनिधि भी डबवाली पहुंचे और वहां का मौका मुआयना किया, यानी कि पूरे विश्व के अंदर इस आगजनी की खबर आग की तरह फैल गई। विदेशों से संवेदनाएँ आने लगी, देश से संवेदनाएँ आने लगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे हमने क्या सीखा। लोगों के जख्म इतने हरे हैं कि उस वक्त के जो डीसी एमपी बिदलान थे उन्होंने बीजेपी की टिकट से सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया और जैसे ही वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा में पत्रकारों से मुखातिब हुए तो वहाँ पर इतने तीखे सवाल पूछे गए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर सिरसा छोड़कर ही चले गए। अब खास बात यह है कि उसके बाद हमने क्या सीखा, शायद कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, क्योंकि यूपी के अंदर भी इस तरह के हादसे हुए। साल 2014 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में भी एक हादसा हुआ जिसमें 94 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। वहां भी रसोई में आग लगी थी जिसके बाद 94 बच्चे आग का ग्रास बन गए थे। यूपी के अंदर भी आगजनी की घटनाएं अस्पतालों में भी हुई है। तो क्या सीखा, शायद कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, कुछ ज़्यादा बंदोबस्त नहीं किए गए हैं, लेकिन जब भी ये 23 दिसंबर आता है तो एक बार कई सवाल उठा जाता है कि उस हादसे से हमने क्या सबक लिया, उन परिवारों का क्या कसूर था। कई परिवार तो ऐसे थे जिनके सभी बच्चे उस कार्यक्रम में शामिल थे, उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, उनका वंश खत्म हो गया। ज़रूरी है कि केवल बरसी मनाने की बजाय कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे 1995 में जो मंडी डबवाली में हुआ, 2004 में जो तमिलनाडु में हुआ, उस तरह के हादसे फिर से ना हो। तो अगर आप भी अपनी संवेदनाएं इस घटना के साथ रखते हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिजनों के साथ रखते हैं, तो आप न्यूज़ 19 पर अपने कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर इस खबर के नीचे आप अपनी राय दे सकते हैं। अपनी कमेंट करके आप अपनी संवेदनाएं दुख प्रकट कर सकते हैं ताकि जो इस खबर को देखे, हो सकता है पीड़ित परिवार भी इस खबर को देखे तो उनको लगे कि लोग वाकई उनसे इत्तेफाक रखते हैं, जो हुआ उसके उनके दर्द में लोग शामिल हैं। और हो सकता है कि आपकी इन संवेदनाओं से, आपकी जो आप संवेदना प्रकट करते हैं उससे सरकारों को भी कोई सीख मिले, क्योंकि आप कुछ अच्छी राय भी दे सकते हैं कि जिससे भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाए, इस तरह के प्रशासनिक प्रयत्न किए जाए कि भविष्य में
कहीं भी इस तरह की घटना ना हो। जो लोग इस तरह के आयोजन करते हैं वो भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी सज़ा देती है। उस अगर वो एक कुंडी उस वक्त ना लगी होती तो इतना बड़ा ये अग्निकांड ना होता, इतना डबवाली शहर दुखी ना होता, मातम ना होता, क्योंकि एक छोटा सा शहर है, उसके हर घर में मातम तब भी फंस रहा था और 26 साल बाद जख्म आज भी हरे हैं। आज भी जब 23 दिसंबर आता है तो मातम आज भी छा जाता है। तो इस खास इतिहास की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी संवेदनाएं न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके प्रकट कर सकते हैं। आप लगातार न्यूज़ 19 के साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। फ़िलहाल इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।